मसाला पैकिंग बिजनेस। मसाला बिजनेस स्टार्ट करने का दो तरीका है, या तो आप खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करें या फिर आप होलसेल में लेकर उसे पैक करके बढ़िया ब्रांडिंग करके मार्केट में सप्लाई कर दें। यदि आप कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहें तो इंड स्क्रीन में आपको वीडियो दिखेगी, आप उस वीडियो को देखिएगा। वहां पर हमने मसाला मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग हर चीज़ डिस्क्राइब किया है कि भैया कितने में बनेगा, कैसे बनेगा, कौन सी मशीन लगेगी और कैसे आप पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ पैक करके बेचना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। स्टार्टिंग में आप दूसरे से मसाला लीजिए, पैक करिए, बेचिए और धीरे धीरे जब आपके पास इन्वेस्टमेंट हो जाएगा उसके बाद आप प्लांट लगाइएगा, तब तक में आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए, मसाला पैकिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चार चीज की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट है मसाला, सेकंड है पैकिंग मशीन्स, थर्ड है पाउच और फोर्थ है लाइसेंस, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। शुरुआती आप होलसेल में अपने आसपास के किसी बड़े मैन्युफैक्चरर से मसाले ले सकते हैं। आप गूगल में सर्च करिएगा मसाले मैन्युफैक्चरर नियर में, तो आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरर मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको मसाले मिल गए। अब बात आती है पैकिंग की, पैकिंग कैसे किया जाए। तो देखिए, स्पेशली मसाला पैक करने के लिए ये FFS पाउच पैकिंग मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। ये छोटे बड़े सभी साइज़ में मसाले पैक कर देती हैं। ऊपर यहाँ पर हॉपर दिया गया है, इसमें बस मसाले डालते हैं और उसके बगल में रोल लगाने का ऑप्शन दिया गया है, इसमें हम अपना रोल लगा देते हैं। देन ये मशीन बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से पैक करते हुए नीचे से पाउच निकालती जाती है। बाकी वर्किंग आप लाइव देख सकते हैं कितने अच्छे क्वालिटी में ये पाउच बना रही है। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जितने ग्राम का वेट सिलेक्ट करेंगे, मान लीजिए कि आपने 20 ग्राम का सिलेक्ट कर दिया, देन ये मशीन 20 ग्राम ही पाउच में फिल करेगी और उसके बाद सील करेगी। यहाँ पर जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। ऐसा नहीं है कि किसी पाउच में अधिक हो गया तो किसी में कम हो गया। इसमें हाफ HP का सिंगल फेज मोटर लगा हुआ है जिससे कि यह मशीन प्रॉपर वर्क कर रही है और इसका पावर कंजप्शन 1 kW सिंगल फेज ही है। तो यदि कोई अपने घर में इस मशीन को लगाकर पैक करना चाहे तो पैक कर सकता है, जरूरी नहीं है कि आप अलग से कनेक्शन लें। ये मशीन हर घंटे 40 से 70 पाउच पैक कर देती है। जी हाँ, बिल्कुल 70 पाउच पर मिनट। बाकी ये पाउच के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप छोटे साइज का पाउच पैक करेंगे तो वहाँ पर अधिक पैकिंग होगी और यदि आप थोड़े से बड़े साइज के पैकिंग करेंगे तो वहाँ पर थोड़ी सी कम पैकिंग होगी। इस मॉडल के जरिए आप मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, जीरा, धनिया या फिर जितने भी पाउडर फॉर्म में होते हैं वो सभी आइटम आप इससे पैक कर सकते हैं। बाकी और भी मॉडल की मशीन्स आती हैं जिनका यूज करके आप पैकिंग बिजनेस में सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, पास्ता, यानी कि जितने भी ग्रैनुलर्स फॉर्म है, जितने भी पाउडर फॉर्म में है, वो सभी आइटम आप पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। बस आपको अपनी ब्रांडिंग करनी रहेगी। और देखिए, सिर्फ ब्रांडिंग से काम नहीं होता है। जहां से आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जहां से प्रोडक्ट ले रहे हैं, उसकी क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, है ना, नंबर 1 क्वालिटी का होना चाहिए। तभी लोग आपके टेस्ट के दीवाने होंगे, तभी आप मार्केट में बूम कर पाएंगे। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिएगा। वैसे एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि अपने इंडिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। यहीं पर सबसे अधिक मसाले उगाए जाते हैं और दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं। आज वो समय आ गया है कि हम सब बिजी हैं, नहीं तो हर घर में पिसाई होती थी, है कि नहीं। और अपने भारत के लोग खाने पीने के शौकीन बहुत है, बात मानते हैं कि नहीं। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते बल्कि अपना फेवरेट टेस्ट लेने के लिए खाते हैं। और इन हजारों तरह के खाने को बिल्कुल टेस्टी, स्पाइसी, क्रंची और लाजवाब बनाते हैं ये अलग अलग तरह के मसाले। यदि किसी नॉर्मल सब्जी में भी मसाले डाल दिए जाए तो उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। अभी 2023 में इंडियन स्पाइसेस का मार्केट साइज 86,930 करोड़ का था और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2032 तक इसका मार्केट साइज 1,95,945 करोड़ तक पहुँच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इन फ्यूचर मसाले की डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। वैसे देखिए, पूरे स्पाइस मार्केट में 16% एवरेस्ट का कब्जा है, 10% MDH वाले ताऊ जी का और इसके अलावा बहुत सी छोटी बड़ी कंपनी है जिनका 2-4-8% मार्केट में कब्जा है। लेकिन 29% मार्केट अभी भी ऐसा है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, वहाँ पर खुले मसाले या फिर लोकल कंपनी के कंज्यूम हो रहे हैं। तो यदि आप मसाले को अच्छे तरीके से पैक करके ब्रांडिंग वगैरह करने के बाद मार्केट में लेकर आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चलेगा और इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आप पैकिंग की क्वालिटी देख सकते हैं, नमकीन पैक किया जा रहा है, कितने अच्छे तरीके से पैक हो रही है। ये न्यूमेटिक मशीन है जिसकी स्पीड 35 से 40 पाउच पर मिनट होती है। यदि आप 1 घंटे मशीन चलाएंगे तो लगभग 2000 पाउच बनकर रेडी हो जाएंगे।
इसमें सेंटर प्लस हॉरिजॉन्टल दोनों सीलिंग होती है। और जब भी हम चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, कोई भी फ्राइड आइटम वगैरह पैक करते हैं तो उसके लिए नाइट्रोजन गैस फिल करना बहुत जरूरी होता है, जो एक पैकेट में भरी होती है, आपने देखा होगा। इससे नमकीन वगैरह की क्वालिटी लंबे समय तक मेंटेन रहती है। तो ये मशीन पाउच में नाइट्रोजन भी फिल कर देती है। वैसे पैकिंग बिजनेस में एक सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है, कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट में नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं, क्योंकि आपको मैन्युफैक्चरिंग तो करना नहीं है, सिर्फ पैक करके सप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करने का ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर देखिए रोल लगाने का ऑप्शन दिया गया है। इस तरह के पैकिंग रोल वगैरह आप प्रिंटिंग कंपनी से अपने ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग प्रिंट करवा सकते हैं, लेकिन जब भी प्रिंटिंग करवाइएगा तो उसके पहले बारकोड और लाइसेंस जरूर ले लीजिएगा, ताकि सभी ग्रोसरी मार्ट, सुपरमार्केट, मॉल वगैरह में आपका मसाला हो, चिप्स, कुरकुरे वगैरह सेल हो सके। तो देखिए बारकोड आपको quickbarcode.com से ले सकते हैं, क्योंकि लगभग 5000 से अधिक स्टार्टअप यहां से बारकोड लेकर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। और ये इंडिया का नंबर वन प्राइवेट बारकोड प्रोवाइडर है। यहां से आपको बहुत ही कम प्राइस में बारकोड भी मिल जाएगा। और जो भी हमारे भाई लोग हैं, यानी कि आप, तो आप परचेस करते समय न्यूटेक इंडिया कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी लिंक नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाइए, यदि आपको लेना है तो विजिट कर सकते हैं। बाकी स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉल करके बारकोड भी ले सकते हैं। और देखिए मसाला, चिप्स, कुरकुरे वगैरह एक फूड आइटम है, तो स्टार्टअप में आपको कोई बहुत बड़े लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। आप फूड डिपार्टमेंट से फूड लाइसेंस ले लीजिए, किसी एक सीए के जरिए आप जीएसटी नंबर ले लीजिए, और एमएसएमई डिपार्टमेंट से उद्यम रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई सर्टिफिकेट ले लीजिए, जिससे कि आप लोन लेकर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको गवर्नमेंट की योजना जैसे कि पीएमईजीपी, पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत लोन भी मिल जाता है, और उसमें 35% तक की सब्सिडी मिल जाती है। तो गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट कर रही है, यदि आप लोन लेकर स्टार्ट करना चाहें इस बिजनेस को तो ईजिली कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, शुभम भाई कम से कम कितने इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो देखिए लगभग 80,000 रुपए से ये मशीन स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ बिल्कुल। और इसके साथ ही में आप 10,000 रुपए के मसाले, 10,000 रुपए में आपका लाइसेंस वगैरह रेडी हो जाएगा। और पैकिंग मटेरियल देखा जाए तो माई परफेक्ट पैक से शुरुआती आप 10,000 रुपए में पैकिंग मटेरियल ले सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए में आपका ये पैकिंग बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि आप मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं। बाकी ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है, आप जितने बड़े लेवल तक लेकर जाना चाहें उतने लेवल तक लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इस बिजनेस से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो स्क्रीन में आपको विराट पैकेजिंग मशीन का नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉल करिए। पैकिंग बिजनेस से रिलेटेड, पैकिंग मशीन से रिलेटेड आप बाकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। और देखिए यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा है ना, क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बीच में नहीं बोलते, हमें पता है कि जब आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलेगा, है ना, आपको वैल्यू मिलेगी, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो लोगो दिख रहा है, क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया की वीडियो पहुँचती रहे। स्क्रीन में आपको चिप्स बनाने की और इधर आपको नमकीन बनाने की मशीन दिख रही है, इसे आप जरूर देखिए, बहुत ही गजब का बिजनेस है।